रहे हैं हेल्थ के बारे में और आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात कर रहे हैं चीकू के बारे में। चीकू यानी कि सपोटा। चीकू एक बहुत ही स्वादिष्ट फल है, मुझे तो चीकू खाने में बहुत मजा आता है। और ये हमें किस तरह से हेल्दी रख सकता है और हमें चीकू से क्या क्या ब्यूटी बेनिफिट्स हो सकते हैं, चीकू किस तरह से हमें बहुत सारी बीमारियों से बचा सकता है और चीकू खाने से हम किस तरह से फिट और हेल्दी रह सकते हैं, तो आइए आज बात करते हैं चीकू के बारे में। चीकू खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है क्योंकि चीकू में विटामिन ए बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है जो कि हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए हमें हमेशा चीकू खाना चाहिए। गर्मियों में दस्त की प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है, बच्चे हों या बड़े हों सभी इससे परेशान हो जाते हैं। उसके लिए आपको चीकू को पानी के साथ उबालकर उसका काढ़ा बना लें, उसको पीने से आराम मिलता है और आपकी प्रॉब्लम्स जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाती है। इसी तरह से कॉन्स्टिपेशन, एनीमिया और लूज मोशन अगर आपको होते हैं तो आपको चीकू खाना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है क्योंकि चीकू में आयरन पाया जाता है जो हमारी हेल्थ के लिए और खून को बढ़ाने के लिए सहायक सिद्ध हुआ है। चीकू में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट और न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करते हैं और हमें हेल्दी रखते हैं। कैंसर एक बहुत ही भयानक रोग है जिसका इलाज बहुत ही मुश्किल से होता है, लेकिन रेगुलर चीकू खाने से आप कैंसर जैसे भयंकर रोगों से बच सकते हैं। इसी तरह से चीकू हमारी हड्डियों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। चीकू खाने से हमारी हड्डियाँ मजबूत रहती हैं, स्ट्रॉन्ग रहती हैं क्योंकि चीकू में कैल्शियम और फॉस्फोरस अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए हमें चीकू खाना चाहिए और स्ट्रॉन्ग बने रहना चाहिए। चीकू में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं तो ये प्रेग्नेंट वूमेन और लैक्टेशन मदर के लिए बहुत उपयोगी है। लैक्टेशन मदर और प्रेग्नेंट मदर को चीकू खाना चाहिए, ये उनके लिए हेल्पफुल है। थकान होने पर चीकू खाना अच्छा है क्योंकि ये हमें एनर्जी देता है और एक्टिव रखता है। अगर कोई बवासीर के रोग से परेशान है तो वो भी चीकू खा सकता है, ये उसको बहुत हेल्प करता है। जख्म होने पर चीकू खाया जा सकता है, ये जख्म को जल्दी भरता है। अगर आपकी किडनी में स्टोन है, आप स्टोन से बहुत परेशान हो चुके हैं, तो आप चीकू के बीजों को पीसकर खा सकते हैं, इससे आपका स्टोन छूमंतर हो जाएगा। चीकू हमारे डाइजेशन में भी बहुत हेल्पफुल है। आपका डाइजेशन अगर अच्छा नहीं है तो आप चीकू खा सकते हैं, ये आपके डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। चीकू को दांतों की कैविटी भरने में भी उपयोग किया जाता है। तो ये थे चीकू के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स। अब हम बात करेंगे चीकू के ब्यूटी बेनिफिट्स के बारे में, किस तरह से चीकू से हम अपनी ब्यूटी को बढ़ा सकते हैं, अपने बालों को सुंदर दिखा सकते हैं, अपनी स्किन को चमकदार और सुंदर दिखा सकते हैं। चीकू के बीजों का तेल बालों में लगाने से बाल सुंदर, चमकदार, घने और लंबे बन जाते हैं। अगर आप बालों के झड़ने की समस्या से बहुत परेशान हो चुके हैं, आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, तो आप चीकू के बीजों का तेल अपने बालों में लगा सकते हैं, आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। अगर आप डैंड्रफ की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपके बालों में डैंड्रफ रहता है, तो आप चीकू के बीजों का पेस्ट बनाकर उसको अरंडी के तेल में मिलाकर अपने बालों में लगाएं, आपका डैंड्रफ खत्म हो जाएगा और आपके बाल सुंदर, लंबे, घने और चमकदार दिखेंगे। अगर आपको सुंदर दिखना है तो आप रोजाना दो चीकू खाइए। चीकू खाने से चेहरा सुंदर और चमकदार दिखेगा, आपकी स्किन ग्लो करेगी। अगर आपकी स्किन पर झुर्रियाँ हैं तो आप चीकू खा सकते हैं या फिर इसको स्किन पर लगा भी सकते हैं, इससे आपकी स्किन चमकदार, सुंदर,
और अच्छी दिखेगी, आप यंग दिखोगे। इसी तरह से चीकू के पौधे का दूधिया रस, आपकी स्किन पर अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ है या कोई गांठ है, लगाने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये थे चीकू के यानी कि सपोटा के बहुत सारे फायदे, किस तरह से हम हेल्दी रह सकते हैं और हमें क्या क्या ब्यूटी बेनिफिट्स थे, हम अपने हेयर को, अपने स्किन को सुंदर दिखा सकते हैं। ऐसी ही और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें आपसे बात करनी है और आप जानना भी चाहते होंगे। उसके लिए आपको ऑडियो लैब के हेल्थ एंड ब्यूटी चैनल को लॉग ऑन करना होगा, आपको हमारे वीडियोस देखने होंगे, उनको लाइक करना होगा, शेयर करना होगा और सब्सक्राइब करना होगा। उसके लिए आपको फिट और हेल्दी भी रहना होगा। जैसे कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू। If you like my fashion, makeup and hair box channel, please do subscribe to my channel.